हमीरपुर शहर में आगजनी की घटना होने पर किस तरह से निपटा जा सके, इसी के चलते अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके चलते शहर के बीचों बीच सहारू कॉम्प्लेक्स में रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना को लेकर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान जांचा गया कि अगर रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने पर किस तरह से बचाव कार्य हो सकता है। हमीरपुर शहर में आगजनी की घटना होने पर किस तरह से निपटा जा सके, इसी के चलते अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके चलते शहर के बीचों बीच सोहारू कॉम्प्लेक्स में रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना को लेकर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान जांचा गया कि अगर रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने पर किस तरह से बचाव कार्य हो सकता है। इस दौरान फायर अधिकारी SK कौंडल के अलावा अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने पूरी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। फायर अधिकारी SK कौंडल ने बताया कि हमीरपुर शहर में आगजनी की घटना होने पर किस तरह से बचाव किया जा सके, इसी को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। उन्होंने कहा कि अपने कर्मचारियों की कार्यशैली को भी चेक किया गया है और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है। कहता मतलब हमारे डिपार्टमेंट की कार्यशैली को चेक करना और हमीरपुर जैसे शहर पे जहाँ पर इतना भीड़ भड़ाका है, पब्लिक इतनी है, उसके दौरान यदि कोई हादसा हो जाता है तो उसको कितने जल्द से जल्द टाइम के अंदर हम जो उसको रोक सकते हैं और उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसके साथ साथ जनता को भी अवेयर करना था कि जब हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो पूरी जनता जा रही है, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम किसी को बचाएं जो है। सो इसके आपके द्वारा मैं ये भी मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक को एटलीस्ट कोऑपरेट करना चाहिए। जब हम यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं या जब किसी बिल्डिंग के अंदर आग लगी किसी को हम बचा रहे हैं तो पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प ईच अदर। और मेन मकसद यही है हमारा कि क्या हमारे सिस्टम काम कर रहे हैं, क्या हमें ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम उसके ऊपर कितना खरा उतर सकते हैं, यही है हमारी जो मेन मकसद जो है। सर नाम के जी? मेरा नाम मेजर SK कौंडल, कमांडेंट होमगार्ड 10th बटालियन। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।